भारत रत्न महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हरियाणा में एक ऐसा गांव है जहां के लोग उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वजह ही कुछ खास है। दरअसल प्रणब मुखर्जी ने 2 जुलाई साल 2016 में हरियाणा के नुहू जिले के रोज का मेव गांव को गोद लिया था। उस वक्त गांव से विकास कोसों दूर था। इस गांव में औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी इस गांव के लोग बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति कार्यकाल में कार्यरत अधिकारी अमिताभ पाल ने इस गांव का कई बार दौरा किया। गांव के लोगों से राय मशवरा के बाद गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पार्क, बिजली पानी, बच्चों को रोजगार, महिलाओं की दशा में सुधारने सहित कई अहम कार्य किए गए। उसी दिन से रोज का मेव गांव को स्मार्ट ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। गांव की सरपंच खातून और उनके भाई दीन मोहम्मद उर्फ धोना ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में जाकर प्रणब दा से मुलाकात की थी। जुलाई 2016 राष्ट्रपति भवन में जाकर, और हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ उस टाइम, और हमारे काम भी बहुत अच्छे हुए थे गांव में उस टाइम जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। आज हमने जब कल उसका सुना निधन के बारे में, तो एक धक्का सा लगा, बहुत गहरा सदमा सा बैठा। ये तस्वीर बहुत ही और यहाँ पे अस्पताल भी बना है, यहाँ पे जगह जगह पंचायत घर भी बने हैं, स्कूल भी बना है, और यहाँ पे बहुत तरक्की हुई है जब से लिया है, गोद लिया गया है, जब से इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आए। कुल मिलाकर प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन ने गांव के तकरीबन 50 से अधिक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया, जिनमें से आज भी दर्जनों युवाओं को रोजगार मिला हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक रोज का मेव गांव गोद लेने से पहले विकास के एतबार से काफी पिछड़ा हुआ था। जब से प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद से हटे, तो उसके बाद गांव में विकास की गति मंद जरूर हुई है, लेकिन गांव के लोग प्रणब दा को कभी भुला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव की तकदीर व तस्वीर बदलने में प्रणब मुखर्जी की भूमिका अहम रही है।